भारतीय संविधान की पूरी जानकारी सभी भारतवासियों को हो, इस उद्देश्य से हाल ही में संविधान के रास्ते कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्याध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे के नेतृत्व में चेंबूर में महाराष्ट्र कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की सह प्रभारी सोनल पटेल, प्रभारी प्रशिक्षण सचिन राव, अखिल भारतीय कांग्रेस नेता संपत कुमार के अलावा अनुसूचित जाति विभाग की राज्य इकाई के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चंद्रकांत हंडोरे ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विभाग है, पैरेंट बॉडी है, अलग अलग सेल है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ऐसा एक अनुसूचित जाति का जो डिपार्टमेंट है, उससे जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वो सब उसमें सम्मिलित रहते हैं। तो वो सारे लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। इसके लिए एससी डिपार्टमेंट की तरफ से आज यहाँ पूरे महाराष्ट्र के पदाधिकारियों का एक प्रशिक्षण आज यहाँ पर शुरू हो गया। उनका नाम है संविधान के रास्ते। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, जो लोकशाही को पूरक है, लोकशाही को और मजबूत बनाने का काम संविधान करता है, तो ये संविधान का महत्व लोगों तक पहुँचना चाहिए। और साथ साथ संविधान के खिलाफ भी कुछ लोग नारेबाजी भी करते हैं। आप देखेंगे कि जंतर मंतर में पिछले कई महीने पहले उधर संविधान को जलाया भी गया। इसका मतलब है संविधान के खिलाफ में भी कुछ जातिवादी शक्ति है। संविधान उनके जैसा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश सर्वधर्म समभाव का संविधान बना है। सब अधिकार, सब जितने भी अधिकार है, हक है, जो नीचे का तबका है वहाँ तक संविधान ने दिया है, उसकी उसका अमल हो रहा है पिछले 60-70 साल से। लेकिन अभी कुछ लोगों को लगता है कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, संविधान मनुवादी होना चाहिए, संविधान आम का होना चाहिए, तम का होना चाहिए। तो आज का जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, उसको और मजबूत कैसा बनाना है, संविधान का इम्प्लीमेंटेशन, उनकी विचारधारा, उनका जो अच्छापन है वो लोगों तक कैसा जाए और लोगों को संविधान समझे, संविधान का अर्थ समझे, संविधान का महत्व समझे, इसके लिए ये प्रशिक्षण का यहाँ पर आज आयोजन किया गया है। और हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग उसमें, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और महाराष्ट्र की प्रभारी सह प्रभारी सोनल पटेल मैडम भी आई है। उसके साथ साथ ऑल इंडिया कांग्रेस के जो सेक्रेटरी है सचिन राव, जो पूरे देश भर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम को मार्गदर्शक के रूप में आते हैं और मार्गदर्शन करके जाते हैं। फिर हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सेक्रेटरी है और महाराष्ट्र के सह प्रभारी है संपत राव, वो आए हैं, उस संपत कुमार। उसके बाद में वो मोहन बागड़ी बोल के अनुसूचित जाति सेल के वो देश के कुछ प्रभारी है, वो भी आए हैं। और महाराष्ट्र के हमारे अनुसूचित जाति के अरगड़े है, प्राध्यापक देहाड़े है, रमेश साळवे है, और बहुत सारे महाराष्ट्र से अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट के सारे हमारे बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर आए हैं। और प्रशिक्षण में अभी सुबह 10 बजे शुरुआत हो गई है और शाम तक वो उसका समारोप हो जाएगा। अलग अलग नेता लोग मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर अपना अपना विचार रखेंगे। वो विचार को हमारे जो महाराष्ट्र के सब एससी डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी है उसको आत्मसात करेंगे और इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन इकबाल से के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।